आई है यहाँ सर? यहाँ हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए आए हैं और हम लोग की जो नई पेंशन नीति सरकार ने हम लोग की लागू कर रखी है वो पूरी तरह बाजार आधारित है। और इस एनपीएस की नीति को देख के मुझे लॉर्ड डोला जी की याद आती है कि यदि किसी का अधिकारी उत्तराधिकारी कोई मर गया है तो उसकी संपत्ति उसका सारा सरकार का जब्त। वही हमारी समय सरकार कर रही है कि यदि बीच में हम लोग एनपीएस कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है तो ये पैसा हमारा जिस कंपनी में निवेश किया गया है वो कंपनी का हो जाएगा। तो हमारी इतने साल की मेहनत कहाँ गई? वो पैसा किस अधिकार से उस कंपनी का होगा? क्या हम मेहनत कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए वो मेहनत नहीं है? और बुढ़ापे के लिए हर कोई पूरी अपनी जवानी लगाता है और हम लोग ने अपनी पूरी जवानी लगा करके लग रहा है कि हमने अपनी जवानी बर्बाद कर दी। और जब तक हमें पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी हम आंदोलन धरना करते रहेंगे। और इस रामलीला मैदान के बाद में हमारी जो रणनीति है वो है वोट की चोट। इसके बाद में हम लोग वोट के द्वारा घर घर जाकर के वोट मांगेंगे कि हमारे इसके लिए या तो आप वोट का चेंज करो या जो है मोदी सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। और यही रामलीला मैदान में किसानों के आंदोलन मोदी सरकार क्यों बदलेगी? अटल बिहारी वाजपेयी ने बंद कर दी तो फिर मोदी सरकार क्यों बदलेगी? उस समय तक एनपीएस का किसी को पता नहीं था कि आखिर एनपीएस है क्या। हम लोग को जब जॉब में फॉर्म भरवाया गया तो कहा गया आपको डबल पेंशन मिलेगी, उस समय नहीं कहा गया और ना इतना कोई जागरूक था। जब लोग रिटायर होना शुरू हुए उनको 1,000 रुपये पेंशन मिली, 800 रुपये पेंशन मिली, 1,200 रुपये में पेंशन मिली। तो आप खुद सोचिए कि जो सिलेंडर 1,000 रुपये का हो रहा है उस 1,000 रुपये की पेंशन में कोई आदमी बुढ़ापे में अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा? तो मेरा तो बहुत रोष है। और जैसे किसानों का किसान बिल वापस लेना पड़ा उसी प्रकार सरकार को निश्चित ही एनपीएस वापस लेनी पड़ेगी और ओपीएस देना पड़ेगा। और जब तक नहीं होगी तब तक मंजू शर्मा आपको यहाँ पर दिखाई देती रहेगी हर आंदोलन में। उत्तराखंड के बगल का राज्य हिमाचल है, वहाँ लागू हो गई और 2003 से लागू हुई है, ये एक अलग बात है। तो वहाँ का कर्मचारी समझ चुका था कि क्या करना है। फिर उत्तराखंड में भी 2022 में चुनाव था, आप क्यों नहीं समझे? नहीं तो उस समय तक पता नहीं था सर। 2022 को एक वर्ष हुआ है। देखिए 2012 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं AIPTF और हम लोग शिक्षक है। AIPTF की 7वीं मांग थी और आंदोलन करते 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 अपने ब्लॉकों में अपने जिले में करते करते आज ये मांग पूरे प्रदेश की मांग बन चुकी है। और जब कोई मांग बनती है तो सरकारों को सोचना पड़ता है कि आखिर ऐसा क्या है करके। और अब निश्चित ही जब कभी भी चुनाव होगा चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो और आप देखिए कि वोट पलट करके रहेगा। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं एक एक सांसद एक एक विधायक 5-5, 6-6 पेंशन पाते सर हमारे। मैंने कई बार विजय बंधु जी से इस बात पर चर्चा की है और एक पेंशन देने में सरकार को रुकावट क्या आती है? अब ये तो सरकार ही बता सकती है क्योंकि उनको बिजनेसमैन को पैसा देना है और बिजनेसमैन से उनकी पार्टी को फायदा हो रहा है। और ये आज एक पढ़ा लिखा आदमी हर कोई समझता है कि वो पैसा कहाँ जा रहा है करके। क्यों बिजनेसमैन के पैसे क्या थे सरकार बैंक क्यों डंप कर देती है? जो पढ़ा लिखा आदमी है जो सरकारों पर और देश पर नजर रख रहा है उसको पता लग रहा है कि पॉलिसी क्या चल रही है। तो नई पेंशन में कितनी पेंशन मिलती है सर? अभी जो रिटायर हो रहे हैं हमारे जिनको 70-70 हज़ार रुपये पेंशन मिल रही थी, तनख्वाह मिल रही थी, वो रिटायरमेंट के समय 1,200 रुपये 1,400 रुपये लेकर के उनको पेंशन मिल रही है। और कितने लोगों ने तो बुढ़ापे के बाद में ईंटें चुन चुन करके अपने बच्चों की शादियां करी हैं, कितने लोगों ने पान की दुकानें खोली हैं, कितने लोग रेहड़ी लगा रहे हैं। हम लोग के पास पूरा डाटा है, यदि आप कहते हैं तो अभी फोन में खोल करके आपको दिखा देते हैं। हम तो अपने क्षेत्र के हर विधायक हर उम्मीदवार से वो प्रश्न भेजते हैं कि आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो इसके बाद अपनी जीत निश्चित जानिए। और यदि उत्तर देने में आप सक्षम नहीं है तो आप हमारे विधायक सांसद नहीं बन सकते। ये व्यक्तिगत मेरा प्रश्न हर विधायक से रहता है और यही प्रश्न आज मैं मोदी सरकार से कर रही हूँ, पर्सनल मोदी से नहीं, मोदी सरकार से। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस समय लागू किया वो एक बहुत विश्वसनीय नेता थे, एक बहुत इज्जतदार नेता थे, लेकिन इस नीति का हम लोग को भी नहीं पता था। और वैसे व्यक्तिगत रूप से मैं मोदी की बहुत ज्यादा समर्थक हूँ लेकिन एनपीएस के लिए मैं उनके विरोध में हूँ, उनकी नीति के विरोध में हूँ।